नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं सुनील मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, बीएससी पार्ट सेकेंडरी इलेक्ट्रॉनिक्स का अपना आगे का लेक्चर लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हूँ। आपने अभी तक चतुर्द्रव्यमान जाल, एच प्राचल, वाई प्राचल, जेड प्राचल के बारे में आप जानकारी ले चुके होंगे और वाई प्राचल के भी अपन ने इक्वेशंस प्राप्त की थी, एच प्राचल और इनके जो संबंधों के बारे में, जेड और वाई प्राचल के आपस में संबंध अपन ने यहाँ तक देख लिया था। ये है आपका वाई और जेड में संबंध। इसी प्रकार वाई प्राचलों के पदों में जेड प्राचल को निम्न रूप में लिखा जा सकता है, जेड प्राचल को इस रूप में भी लिखा जा सकता है, जेड वन वन, जेड वन टू, जेड टू वन, जेड टू टू, वाई टू टू अपॉन डेल्टा वाई, माइनस वाई वन टू डेल्टा वाई, ये इस रूप में अपन इसको जेड टू वन डेल्टा वाई और जेड वन वन डेल्टा वाई इस रूप में अपन इसको लिख सकते हैं। यहाँ डेल्टा वाई इक्वल टू ये है वाई वन वन, वाई वन टू, वाई टू वन, वाई टू टू, दैट इज इक्वल टू वाई वन वन, वाई टू टू माइनस वाई टू वन, वाई वन टू, इस रूप में भी इनको लिखा जा सकता है। जेड तथा एच प्राचल का आपस में क्या संबंध है? जेड प्राचल की इक्वेशन अपन ने देखी, वी वन इक्वल टू जेड वन वन आई वन प्लस जेड वन टू आई टू, वी टू इक्वल टू जेड टू वन आई वन प्लस जेड टू टू आई टू। जेड प्राचल में वी फंक्शन होता है आई वन आई टू का और अपन को ये इक्वेशन प्राप्त होती है। यहां से अपन ने आई टू की वैल्यू निकाली तो वी टू अपॉन जेड टू टू ये हो गया और ये माइनस साइन जेड टू वन आई वन अपॉन जेड टू। इस आई टू का अपन इक्वेशन नंबर 29 में अपन यहाँ रखेंगे तो वी वन की वैल्यू जेड वन वन आई वन प्लस जेड वन टू और ये आई टू की वैल्यू अपन ने यहाँ रखी। इसको सरल करने पर आपके पास जेड वन वन और ये जेड टू टू अपन ने ले लिया है माइनस जेड वन टू और ये जेड टू टू यहाँ से मल्टीप्लाई होगा और ये आई वन यहाँ से कॉमन आ जाएगा, जेड वन टू माइनस जेड टू वन और जेड टू टू ये आई वन हो गया प्लस जेड वन टू, इसका मल्टीप्लीकेशन ये हो गया वी टू अपॉन जेड टू, ये वी वन की वैल्यू आ गई। अब समीकरण 19 और 20 की तुलना करते हैं तो एच वन वन की वैल्यू अपन को जेड वन वन जेड टू टू माइनस जेड वन टू जेड टू वन जेड टू टू इक्वल टू डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा जेड अपॉन जेड टू टू, ये कंपेरिजन करने पर अपन को प्राप्त होता है डेल्टा जेड इक्वल टू जेड वन वन जेड टू टू माइनस जेड वन टू जेड टू वन होगा। जेड वन टू और एच वन टू की वैल्यू आपकी आ जाएगी जेड वन टू अपॉन जेड टू टू, इसी प्रकार से जेड टू वन की वैल्यू माइनस जेड वन टू अपॉन जेड टू थ्री कंपेरिजन करने पर और जेड टू टू इक्वल टू वन अपॉन जेड टू टू। तो इस कंपेरिजन को अपन एच वन वन एच वन टू एच टू वन एच टू टू इस फॉर्म में अपन इसको लिख सकते हैं। ये वैल्यू आपकी एच वन वन हो गई, ये एच वन टू हो गया, ये एच टू वन हो गया और ये एच टू टू हो गया। इसी प्रकार एच प्राचल के रूप में जेड प्राचल के मान भी लिखे जा सकते हैं तो जेड वन वन इस रूप में लिखे जाएंगे इक्वल टू एच वन माइनस एच वन टू इंटू एच टू वन अपॉन एच टू टू, दैट इज इक्वल टू डेल्टा एच एच टू टू और डेल्टा जेड टू वन इक्वल टू माइनस एच टू वन अपॉन एच टू टू और जेड वन टू इक्वल टू एच वन टू अपॉन एच टू टू तथा जेड टू टू इक्वल टू वन अपॉन एच टू टू। डेल्टा एच इक्वल टू आपका एच वन टू एच टू टू माइनस एच टू वन एच वन टू हो जाएगा। तो ये आपस में मैट्रिक्स फॉर्म में जेड और एच के आपस का संबंध है।
तो इन विभिन्न संबंधों को अपन ने इस मैट्रिक्स इस रूप में दिखाया गया है कि जेड प्राचल ये हो गया, वाई प्राचल के रूप में ये हो गया और ये एच प्राचल हो गया। इस रूप में अपन ने इसको दिखाया गया है। अब आता है चतुर टर्मिनल जाल की निवेशी एवं निर्गत प्रतिबाधाएं, इनपुट एंड आउटपुट इम्पीडेंस।